बारिश कितना रोमांटिक मौसम है, और बारिश में मिट्टी की प्यारी प्यारी सी खुशबू है, कितना अच्छा लगता है। कोई पागल ही होगा जिसको बारिश पसंद नहीं है ना, जिसको बारिश नहीं पसंद हो। मुझे नहीं पसंद बारिश, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद ये बारिश का मौसम। क्यों बताती हूँ, रुको। पहली वजह, पता ही नहीं चलता कि सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात है। वो तो घड़ी देखने में पता चलता है कि हाँ दोपहर के 12 बज रहे, हाँ शाम के 5 बज रहे, हाँ रात के 8 बज रहे। 24 घंटा बस अंधेरा अंधेरा छाया हुआ रहता है। सो डिप्रेसिंग यार। वजह नंबर दो, अभी बारिश से बचने के लिए हमारे पास कौन से शस्त्र है? एक है छाता और एक है रेनकोट। हालांकि रेनकोट को मैंने बचपन में छोड़ दिया तो उसके बारे में मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ, पर छाते की तो बात ही निराली है। मेरे को आज तक समझ भी नहीं आया कि छाता हमें भिगाने से बचाता है या हमें भीगने में हेल्प करता है, क्योंकि छाता हो या ना हो बात तो एक ही है। वैसे छाते के काम क्या है? कि हमें यू नो ऊपर से नीचे तक थोड़ा प्रोटेक्ट कर ले, क्योंकि नीचे प्रोटेक्ट करने का यू नो पैरों के अंदर प्रोटेक्ट करने का तो उसकी औकात नहीं है, वो तो भीगना कन्फर्म ही है। बट जो उसका काम है इतना पोर्शन हमें प्रोटेक्ट करने का, वो भी वो नहीं कर पाता। एक हवा का झोंका आ जाता है और हमें पूरा भिगा देता है। तो छाते का फायदा क्या है मुझे आज तक समझा नहीं। इवन मेरे को समझ में नहीं आ रही कि कितना ही मैं नया छाता क्यों ना खरीद लूं, उसमें से छेद कहाँ से हो जाता है मुझे समझता नहीं। मैं छाता लेके खड़ी हूँ और टुपक 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 करके मेरे टकले पे पानी गिर रहा है, तो मेरे को समझता नहीं कि छाता है नहीं है क्या है, क्योंकि मेरा भीगना तो कन्फर्म है। वजह नंबर तीन, गंदगी। लोग यू नो लोग बोलते हैं कि बारिश में मिट्टी की खुशबू आती है, बहुत अच्छा अच्छा फील होता है। मुझे समझ में नहीं आती कि कहाँ ही खुशबू आती है यार। आता होगा वो गांव में आता होगा, मुंबई में तो सिर्फ बदबू आती है, वो भी गंदा कचरे की बदबू। और इवन यू नो जो गंदगी यू नो लोग सुसु करते हैं, लोग कचरा फेंकते हैं, लोग थूकते हैं, वो सब कोने में करते हैं, तो सब चीजें गंदगी कोने में होती है। बट बारिश की वजह से वो सारी गंदगी पूरे रोड में फैल जाती है। पता है आज क्या हुआ? आज हमारे इधर ना बहुत बारिश आ रहा था, तो ना पूरा जगह पानी वानी भरा हुआ था, तो मैं पानी में चल मतलब घर आ रही थी, तो बट ऑब्वियस मुझे उस पानी से ही गुजरना पड़ेगा, तो मैं चल रही थी और मैंने सामने कुत्ते को पॉटी करते हुए देखा। मैं 2 मिनट तो शॉक में हो गई कि भाई मैं कहाँ चल रही हूँ, पॉटी यार। तो सोचो कितनी गंदगी होती है यार बारिश में। शी वजह नंबर चार, पॉटहोल्स, गड्ढे। 2 बूंद नीचे गिराने के रास्ते में गड्ढे बन जाते हैं और बड़े बड़े गड्ढे, और उस गड्ढे में पानी, और जो गाड़ियां धूम मचाती है रोड में, एक पूरा कीचड़ तुम पे उड़ जाता है। तो तुम कितना ही परी क्यों ना बन के निकलो घर से, ऑफिस पहुंचते पहुंचते तो तुम बंदर जरूर बन जाओगे। वजह नंबर 5, थोड़ा स्पेसिफिक है चश्मिश लोगों के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं भी चश्मा पहनती हूँ, तो हमारी दिक्कत ये है कि चश्मा नहीं पहनोगे तो कुछ दिखता नहीं है, और चश्मा पहनोगे तो भी कुछ दिखता नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि छाता इज अ यूजलेस थिंग, तो तुम यू नो पूरे चश्मे में पानी पानी गिर जाते हो, और तुम कितना भी पोंछो फिर से पानी तो होना ही है। तो यू नो हम जैसे चश्मिश लोगों के लिए बड़ा दिक्कत है यार। वजह नंबर 6, कपड़े। कपड़े सूखते नहीं यार, आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरे कपड़े 2 दिन से पड़े हुए, अभी तक सूख नहीं रहे। तो कपड़े सूखते ही नहीं है यार, हर जगह बस घर में कपड़े 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 फैले हुए। तो अगर कोई भी कह रहा होगा ना कि उनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो वो भी सच कह रहा होगा, क्योंकि कोई भी कपड़े सूखे नहीं है, सारे के सारे गीले, तो कपड़े आपके पास होते नहीं है पहनने के लिए। वजह नंबर 7, बारिश के जलवे। यू नो बारिश के भी अपने तेवर है। जिस दिन आप छाता लेके जाओगे ना, तब बिल्कुल भी बारिश नहीं आएगा, बारिश का नामो निशान नहीं रहेगा। और जिस दिन आप छाता नहीं लेके जाओगे, तब तो ऐसे बरसेगा बारिश की पूछो ही मत। और दूसरा बात कि बारिश इतना कंफ्यूजन करता है ना कभी कभी, कि लाइक बारिश आ रहा है नहीं आ रहा है, छाता खोले नहीं खोले, बंद करे रख दे बैग में या हाथ में पकड़े रखे, कुछ समझता ही नहीं है। तो इतना कंफ्यूजन लाता ना बारिश अपने साथ की क्या ही बताए। वजह नंबर 8, बारिश लाती अपने साथ ढेर सारी बीमारियां। यू नो बट ऑब्वियस है ना, आप यहाँ से घर से निकलते हो, रास्ते भर में पूरी तरह भीग जाते हो, और फिर ऑफिस में पूरे गीले गीले कपड़ों में बैठते हो, और फिर वापस ऑफिस से निकलने के बाद घर आते वक्त फिर से पूरा भीग जाते हो, तो आप दिन भर भीगे भीगे से रहते हो, तो नो बीमार पड़ना तो बट ऑब्वियस है। हालांकि जिसका इम्यूनिटी अच्छा है उनको कुछ होगा नहीं, जैसे कि मेरा इम्यूनिटी अच्छा नहीं है, है कुछ प्रॉब्लम। तो इन शॉर्ट यही कुछ वजह है जिसकी वजह से बारिश मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और बारिश में बाहर निकलना तो मजबूरी है मेरा, तो निकलना पड़ता है।
तो अगर कोई भी कह रहा है कि बारिश तो अच्छा है, बारिश तो ये है, बारिश तो वो है, डोंट से, मुझे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एंड दैट्स इट। तो आप में से अगर कोई भी मेरे इस बात पे एग्री कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो आपको पता ही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, चाओ।